तो ये इफेक्ट आप लोगों के फेस को स्मूथ कर देगा, चाहे आप लोगों की फोटो हो या वीडियो, आप लोग उसको इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करो और आप लोग उस इफेक्ट को इसके ऊपर लाकर तो अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इस लड़की का ना फेस कहाँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स वगैरह बने हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पर इफेक्ट्स वाले सेक्शन के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग सर्च करेंगे ब्यूटीफाई। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को ये इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों ने सिंपली इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी फोटो के ऊपर या वीडियो के ऊपर। पहले कुछ इस तरह का था, जैसे ही हम लोगों ने इसको अप्लाई किया तो कुछ इस तरह से फेस हो चुका है। तो हम लोग इसके अंदर काफी ज्यादा सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। सिंपली आप लोगों ने अपने लेयर के ऊपर डबल क्लिक करना है, वीडियो या फोटो की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। आप लोगों ने यहाँ पर इफेक्ट्स वाले सेक्शन के ऊपर चले जाना है, जहाँ पर आप लोगों की इफेक्ट्स की प्रॉपर्टीज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, जिनको आप लोग इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो के अंदर काफी ज्यादा पर्सन है तो आप लोग चाहते हैं एक पर्सन के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई हो, तो आप लोगों ने यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करके एंड टूल के जरिए आप लोग यहाँ पर उस पर्सन को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करो और सर्कल को सिलेक्ट कर लो, और जहाँ पर भी आप लोगों का फेस है या जिस भी पर्सन का आप लोग करना चाहते हैं फेस को स्मूथ, वो आप लोग यहाँ पर ईजिली आकर तो इसको कस्टमाइज करके कर सकते हैं। तो और स्मूथ कैसे बनाएं, तो मैं इतना रख लेता हूँ, उसके बाद स्मूथनेस के ऊपर जाएँ। मैं इसको ज़ीरो करूँ तो सिंपली आप लोगों की फोटो जैसे पहले थी वैसे ही हो चुकी है। और इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जहाँ पर हम लोग को ये लगे कि यहाँ पर आकर हमारी फोटो थोड़ी सी नेचुरल लुक हम लोगों को दे रही है। आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी प्रॉपर्टीज रखना चाहो वो रख सकते हैं, और भी आप लोग यहाँ पर कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई वीडियो बना रहे हैं ऐसे स्पीक बोलकर या ट्यूटोरियल बना रहे हैं, उसके अंदर आप लोगों के दांत आप लोगों को पीले पीले देखने के लिए मिल रहे हैं, पीले दांतों को रिमूव करने के लिए आप लोगों को तो ब्रश करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोग इफेक्ट को अप्लाई करके उसको रिमूव करना चाहते हो तो सिंपली इस इफेक्ट को अप्लाई करो, और यहाँ पर व्हाइट एंड टीथ के ऊपर आकर इसको जितना आप लोग रखना चाहते हो फुल करना चाहते हो वो फुल कर दो, तो आप लोगों के ये जो दांत होंगे वो यहाँ पर येलो येलो से होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। अगर आप लोगों के भी आईज के नीचे यहाँ पर डार्क सर्कल्स बने हुए हैं तो आप लोग चाहते हैं कि वो हमारी वीडियो के अंदर शो ना हो, तो आप लोगों ने सिंपली आई वाले सेक्शन के ऊपर आना है। इस इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद अपनी फोटो या वीडियो के अंदर तो आप लोगों ने सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा रिमूव डार्क सर्कल्स। आप लोगों ने सिंपली इसको अपनी वीडियो के मुताबिक रख देना। तो अगर मैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक देखने के लिए मिलेगा, तो मैं जिस जैसे ही इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करता हूँ तो ये यहाँ से रिमूव हो जाए। तो इस इफेक्ट को अप्लाई करने से पहले हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह से नज़र आती थी, लेकिन जैसे हम लोग ने इस इफेक्ट को अप्लाई किया हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। यही था आज का ट्यूटोरियल, आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। बाय बाय।